हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है अभी राज्यसभा का एग्जाम होने वाला है हमारा, और मैंने उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी आपको एक सूचना दी थी कि अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड पहले से कर लिया है तो एक बार जरूर चेंज दोबारा से चेक करें कि कहीं आपका सेंटर चेंज तो नहीं हो गया है। वैसे वो हुआ सिर्फ एक सेंटर के लिए है, मगर आप फिर भी आप देख लें ताकि कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जीएस के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या आने वाला है। इसी तरीके से मैंने आज आपको रीजनिंग के लिए भी बता दिया था। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इंग्लिश के लिए बना रहा हूँ ताकि इंग्लिश में आपके कोई टॉपिक छूट ना जाए पढ़ने से, क्योंकि अब समय बहुत कम है, रिविजन ही हो सकता है। और जीके के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जीके वाली सीरीज में जाएंगे, आपको 13 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें लगभग लगभग 300 से 400 क्वेश्चन कवर हैं 13 वीडियो के अंदर। आप वो जरूर देखें क्योंकि 300 से 400 तो क्वेश्चन है, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो भी इतने ही होंगे, तो आपके कम से कम 500 या 600 क्वेश्चन जीएस के यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारी मोटिवेशनल वीडियो भी है, वो आप जब आपका 5 तारीख को एग्जाम है तो आप 4 तारीख को देखना, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और उस रात को मैं एक अलग से भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम जो है इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर आएंगे, कौन कौन से आप मतलब ऐसी चीजें क्या हैं जो आपको छोड़ के नहीं जानी है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उससे पहले मैं अपने कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं, और जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उस पर कमेंट जरूर करते हैं या अप्रिशिएशन करते हैं या कोई सजेशन देते हैं। उसी तरीके से मैं, क्योंकि मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब हमारा इंटरेक्शन होता है, अगर इंटरेक्शन ना हो तो मेरा भी शायद मन ना करे वीडियो देने का आगे, मगर क्योंकि इंटरेक्शन होता रहता है इसीलिए आप देखेंगे आज का ये 3रा वीडियो है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग से जब बात होने लगती है तो फिर मुझे भी लगता है कि नहीं, आपकी हेल्प करनी ही चाहिए किसी भी तरीके से, और ये मेरा एक तरीके से शौक भी है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले सब्सक्राइबर जिनका नाम है कनिका ठाकुर, उन्होंने, मैं नाम लिख देता हूँ क्योंकि ये काफी हमारी अच्छे सब्सक्राइबरों में से हैं, कनिका ठाकुर। इन्होंने अभी वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि सर आपका वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो आप बोर नहीं होने देते हैं, तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा उत्साह मिला कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा था कि वीडियो लंबे होते हैं तो लोग बोर होने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये जानकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। उसके अलावा एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है शैलेश, शैलेश सिंह जी हैं। उन्होंने कहा है जैसे कि मैंने कहा था कि क्योंकि पीसी पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 10 मिनट की वीडियो बनाने में 20 मिनट लग जाते हैं पूरा उसे करने के लिए, तो मैंने ये कहा था कि अगर हो सके तो मैं मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा है ठीक है सर आप मोबाइल से वीडियो बना दीजिए। तो शैलेश जी ने कहा है तो आगे से मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देने हैं तो कुछ मोबाइल से भी बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है ज्योति मिश्रा, ज्योति मेहरा नाम है उनका, सॉरी ज्योति मेरा नाम है। उन्होंने वीडियो देखा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर। उसके अलावा है हमारे एक सार्थक उपाध्याय जी हैं, ये काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर, मतलब शादी में वीडियो डालता हूँ और इनका कमेंट या रिप्लाई ना आए, मुझे फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से कहता हूँ कि आप फीडबैक जरूर दें, बुरा है बुरा बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगा, आपका कोई सजेशन है सजेशन दीजिए, ठीक है। तो सार्थक उपाध्याय जी हैं, उन्होंने उपाय दिया है ओटीजी के बिल का, कि अगर सर आप मोबाइल से आप वीडियो बना रहे हैं और अगर आपको कुछ लिखना है तो ओटीजी के बिल के थ्रू अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है सार्थक जी, मैं इस बात पे विचार करूंगा और अगर हो सकता होगा संभव होगा तो मैं जरूर करूंगा। उसके अलावा जो है हमारी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है दीक्षा पाटीदार, ठीक है, अगर नाम में किसी में कुछ गलती हुई तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इन्होंने थैंक्स भेजा है, ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग हमारा जो है वीडियो इतना लाइक कर रहे हैं, और बाकी जो सब्सक्राइबर उनसे भी प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फीडबैक जरूर दें, तभी मैं मतलब मेरे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी आ जाएगी कि मुझे अच्छे से अच्छा मटेरियल देना है, और आप लोगों की अभी तो ये राज्यसभा का एग्जाम है, आगे और भी तैयारी कर रहे होंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और सभी सब्सक्राइबर से मेरा अनुरोध है कि कोशिश करें कि हमारा परिवार बढ़ता जाए, देखिए अभी तो इतने सब्सक्राइबर हैं कि इनकी वजह से मुझे वीडियो ज्यादा देने, अगर सोचिए और ज्यादा मेरे पास कमेंट आने लगेंगे तो मैं हो सकता है 3 की जगह मुझे 4 वीडियो डालने पड़ जाएंगे, 5 वीडियो डालने पड़ जाएंगे, ये एक नैतिक दबाव हो जाता है फिर आदमी के ऊपर कि उसे फिर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे सब्सक्राइबर की, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका वेलकम है, और अब हम इंग्लिश के टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश के जो हमारे टॉपिक हैं, इंग्लिश के टॉपिक्स, इसके अंदर देखिए आपको क्या छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं छोड़ सकते आपको टेंस, है ना, टेंस आप नहीं छोड़ सकते, टेंस आपको तीनों तरीके के आने चाहिए। टेंस से रिलेटेड आपको सिंटैक्स एरर बहुत पूछा जाता है, सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। मैं सेंटेंस से ही बता सकता हूं कि आपको 5 से लेकर
8 क्वेश्चन तक आपको इंग्लिश में जरूर मिलेंगे, सिर्फ सेंटेंस पर, ठीक है? क्योंकि कभी कभी लगता है हमें कि वो सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है? और मगर वो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट का, ठीक है? क्योंकि इन दोनों सेंटेंसों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। और मैंने जैसे कि पहले इंग्लिश के वीडियो में बताया था कि टाइम डिसाइड द सेंटेंस, सेंटेंस डिसाइड नहीं करता समय को, समय डिसाइड करता है कि टेंस क्या होगा। तो उसी हिसाब से अगर किसी भी वर्ड सेंटेंस हमें ऐसा मिलता है जिसमें एगो वर्ड का प्रयोग है, कोई सा भी ऐसा शब्द जो एक समय सूचक हो और वो समय बताएगा कि अगर पास्ट का है तो फिर पास्ट इंडेफिनेट में आप उसका प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, सारे रिवाइज कर लेने हैं सेंटेंस जितने भी हैं आपके, ठीक है? उनके नियम अच्छे से पढ़ लें और जिनमें भी कंफ्यूजन हो उसे, उस कंफ्यूजन को दूर कर लें। उसके अलावा टेंस के अलावा आप देखेंगे नाउन, नाउन और प्रोनाउन, ये आप अच्छे से करें। इसमें ही एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? कि एक जो सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, एक मतलब एक समझौता होता है। क्या समझौता है? कि अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लुरल है तो ये भी प्लुरल आएगी, है ना? तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे कम से कम 3 से 4 तो इसी पे ही मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, अगर करेक्शन के लिए आया हुआ है, ठीक है? नाउन का प्रयोग हमें अच्छे से आना चाहिए, प्रोनाउन का आना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव, इसमें लोगों का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि एडवर्ब लगाना है कहां पर, कहां रेगुलर लगाना है और कहां रेगुलरली लगाना है, ठीक है? तो देखिए समय बहुत कम है, वरना मैं अभी आपको इतना क्लियर नहीं करा पाऊंगा, मुझे भी पता है। तो इसलिए आप जो है इन सब चीजों को किताब से अभी पढ़ लें, जब प्री हो जाएगा उसके बाद जब हमारी मेंस की तैयारी चल रही होगी तब मैं, और भी एग्जामों की होगी तब मैं आपको ये डिटेल में उस समय पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वर्ब एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसके बारे में पढ़ें। आपको एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव जिसे नरेशन बोलते हैं, ये आप पढ़ के जाएं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आप कहेंगे क्या ये एसएससी की तरह आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, एसएससी की तरह तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं कि अगर आपको 25-20 सेंटेंस आ जाएंगे कि आप एक्टिव पैसिव बना दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना दो। मगर हाँ, ये सिंटैक्स एरर और कॉमन एरर के अंदर तो बिल्कुल आने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जैसे कि आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो WH की फैमिली का वर्ड होता है उसे कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है उसकी कंजंक्शन ये प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग कर रखा हो, है ना? उसी तरीके से जैसे आपको पता होगा कि पैसिव में हर हालत में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रखी होगी, तो ये डायरेक्टली नहीं आएंगे मगर इनसे रिलेटेड आपको एरर छांटने को जरूर मिलेगी, ठीक है? उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है प्रीपोजिशन। देखिए हर प्रीपोजिशन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है, कुछ वर्ड हैं जिनके साथ वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही लगती है, तो इन ऐसे जो वर्ड हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको किताब बताई भी थी कि अगर आपके पास किताब SP बख्शी की है तो आप उससे कर लीजिए, या फिर KD कैंपस की, कोई भी इंग्लिश की आपके पास ग्रामर की अच्छी किताब है उसमें ये दे रखा होता है प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में कि हर वर्ड के साथ में एक पर्टिकुलरली एक जैसे अलाउंस है, अलाउंस इसके साथ फॉर का ही इस्तेमाल होता है, किसी और का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? उस तरीके से एफिलेटेड टू, कोई यूनिवर्सिटी से अगर कोई एफिलेटेड होता है तो एफिलेटेड के साथ टू आता है, है ना? विद नहीं आता। तो इस तरीके की आपको प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे कि मैंने जैसा बताया था कि आप वोकैबुलरी पे ज्यादा वो ना करें, वोकैबुलरी का वैसे मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ अब, क्योंकि वो कम आती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, है ना? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो होते हैं वो कम आते हैं, उसे छोड़कर आप वन वर्ड अच्छे से याद करें। अगर हो सका समय मिला तो वन वर्ड की आपके लिए वीडियो बना दूंगा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये आपको मिलने ही वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो idiom phrases, इन्हें जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए idiom phrases के बारे में। तो इंग्लिश में मेन मेन चीजें कवर हो गई। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक इंग्लिश में ही होता है, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए, जिसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो या फिर हमारे कोई ऐसा एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आ रही है, और राज्यसभा में तो अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ठीक है? और उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वो जिसके साथ होता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, है ना? फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, ऐसे वर्ड आप पढ़ के जाइए। फर्स्ट सब्जेक्ट रूल का क्या मतलब है? अगर कहीं पर आ रहा है एज वेल एज, या फिर कहीं पर आ रहा है टुगेदर विद या अलोंग विद, ठीक है? या टुगेदर अलोंग विद या लाइक विद,
ये मैं कुछ वर्ड हैं आपको बता देता हूँ, या बिसाइड्स। तो ऐसे सब्जेक्ट ये होते हैं कि आई एज वेल एज दे। अब इसमें क्या आएगा आगे, अगर हम आई एज वेल एज दे आर कमिंग आएगा या कुछ और आएगा, एक मिनट का जरा मुझे समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस हुआ, एक्चुअली मेरा फोन बज रहा था। तो क्या आएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि हम जो यहां पर होता है मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, इसमें करना ये होगा कि जो पहला होगा यहां पर उसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दे है तो यहां पर बहुवचन बना दिया जाए, जो आई है आई के साथ अगर एम आता है तो एम ही आएगा। तो इस तरीके के शब्द हैं जिसमें कि यहां का ना देखकर हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या है। तो इस तरीके के वर्ड भी आपको याद करने पड़ेंगे। एनएसआर, एनएसआर का मतलब होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल, नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल। नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल में यह होता है कि जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा एक नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, नॉट ओनली बट आल्सो पे आएगा या फिर नीदर नॉर पे आएगा, ठीक है। और ये पेयर में ही इस्तेमाल होते हैं, नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल होता है, नॉट ओनली के साथ बट का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके के आपको ग्रामर के अंदर अच्छे किताबों में दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ के जाएं क्योंकि इनसे ही आपको दो तीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके अलावा, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि ये नाउन या प्रोनाउन वाले चैप्टर में ही आ जाएगा, जैसे कि कुछ वर्ब होते हैं वो प्लूरल ही होते हैं हमेशा, है ना, जैसे टॉन्ग्स, चिमटा जिसे बोलते हैं, वो वर्क्स, है ना, और या फिर हम कहेंगे अमेंड्स, अर्निंग्स, है ना, अर्निंग्स, अर्निंग नहीं होता, अर्निंग्स एस लगा होता है अर्निंग्स में, जैसे सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इन सब ये आपको नाउन के चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा ये सब चीजें देखने को, तो ये सब आपको कवर करके ही जानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी हिसाब से मैंने जैसे प्रीपोजिशन बताया कि प्रीपोजिशन के हिसाब से आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, जैसे कि एक मैं अभी वीडियो है तो थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ, चलता हूँ। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी अगर कहीं पर इस्तेमाल हो रखा है तो वो सेंटेंस ही गलत है, इसका ये मतलब हो ही नहीं सकता कि अकॉर्डिंग टू मी, इस मतलब ये प्रयोग ही गलत है। आपको अगर सेंटेंस सही करना है तो इससे लिखिए, या तो लिखिए इन माई व्यू, कि जो मेरा व्यू है उसमें, या फिर एज फार एज आई थिंक, मतलब बोलने में तो ये चल जाता है अकॉर्डिंग टू मी, मगर अगर आपके में सेंटेंस आता है तो ये गलत होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ मैं, जैसे एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ किया जाता है। अब देखिए, अगर आपका कोई भाई है, भाई के सेंस में आपका ब्लड रिलेशन है उससे, तो वो एल्डर ब्रदर होगा, ओल्डर ब्रदर नहीं होता कभी। और अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो उसके लिए ओल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे फ्यू है, फ्यू का इस्तेमाल जो है वो काउंटेबल चीजों के लिए किया जाता है, काउंटेबल, और जो लिटिल का इस्तेमाल है वो किया जाता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना। आप डिग्रीज पढ़ के जाइए, आप ये चीजें पढ़ लेंगे तो इंग्लिश में आप काफी कवर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया एडवर्ब और ये सब चीजें। और ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का मुझे लगता है कि आप अगर इतना कर लेंगे तो सफिशियंट होगा। इस अभी मैंने तीनों का आपको सिलेबस का एक तरीके से बना दिया है क्या क्या पढ़ना है, ये इंग्लिश का भी हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अभी जीएस के लिए मैंने आपके लिए पॉलिटी बना चुका हूँ, ठीक है। पॉलिटी के बाद एक हिस्ट्री का वीडियो दूंगा मैं आपको, जो थोड़ा बड़ा होगा, लंबा वाला होगा, जिसमें कि कवर किए जाएंगे काफ़ी फैक्ट, और उसके साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा आपको नीचे लिंक पर, ताकि आप डाउनलोड करके तुरंत रिवीजन भी कर लें, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और एक साइंस। कई लोगों ने साइंस की डिमांड पहले की है कि साइंस पहले करा दीजिए, तो साइंस पहले करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको तीन वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर का देख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप करंट अफेयर आप स्वयं से करें, है ना। मैंने आपको साइट भी बताई थी, wifistudy.com है, वहाँ पर आपको वीकली जो है मिल जाएगा, आप वीकली डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, देख सकते हैं, वीडियोस भी हैं, पीडीएफ भी है, वहाँ से आप पीडीएफ देख के कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से मुझसे कम्युनिकेशन बनाए रखिए, जिससे कि मैं भी नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी ये हो रहा है, देखिए आप लोग मेरे नए नए मेहमान हैं, है ना, मगर ऐसा मत सोचिए कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम आप लोगों को भूलने वाले हैं। नहीं, जैसे मैंने अभी अपने सब्सक्राइबरों का नाम लिया, ये जब हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, मतलब अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 3 महीने हुए हैं, तब इतने लोग हमसे जुड़े हैं, आने वाले समय में और भी होगा, और जो हमारा जो ये अभियान है लोगों को जागरूक करने का, वो और भी आगे चलता रहेगा आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।